तुम्हें किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। मैं किस हाल में हूँ, तुम्हारा बेटा किस हाल में है, 2 साल हो गए हमें अलग हुए, लेकिन तुम ऐसे हो गए जैसे हमें जानते ही नहीं थे। शारब हमेशा पूछता है, डैडी कहाँ गए, कब आएंगे। मुझे मालूम है हमारा डाइवोर्स हो चुका है, हम कभी नहीं मिल सकते, लेकिन शारब तुम्हारा भी बेटा है, कम से कम उससे मिलने तो तुम आ सकते हो। तुम्हें मालूम है उसे बोलने में भी दिक्कत है, वो बाकी बच्चों जैसा नहीं बोल सकता, पर जब से तुम गए हो ना, वो डरा डरा सा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता। तुम उसे क्या कर सकता हूँ, देखो प्लीज, मैं रोज रोज के फोन से तंग आ चुका हूँ, तुम शारब को सच से बता दो। बताऊंगी शरद, सही समय आने पर। प्लीज शरद, उससे मिलने आ जाया करो। हेलो हेलो, कौन कौन है वहाँ? शारब, thank you.
Sit down. Thank you, sir. Yes, those are new students. Please stand up. Yes, please tell me your name one by one. Rohan Verma. Mohammad Samad. David D'Souza. Mohammad Bilal. Mohammad Asfan. Rahul Sharma. Yes, beta, aapka naam? Sharash. Aage? Rastog. Good. Yes, sit down all of you. Hey. तेरे जोड़े आ गया देख बाय बाय ए मतलब तो अतलाता हूँ वो तो अतला अतलाता है यस रोल नंबर वन यस सर टू यस सर थ्री प्रेजेंट सर फोर प्रेजेंट सर फाइव प्रेजेंट सर सिक्स सेवन प्रेजेंट सर एट हेलो लादव लग नहीं नहीं लादव अरे लगव नहीं नहीं लादव अरे लाग लागव अरे आप लें तो आपसे नहीं हो पाएगा ये कौन ये मोंती है मोंती क्लास के बदतमीज बच्चे हैं इनता ताम है अत्य बत्तो पता तन्ना तू टेंशन मत ले मैं हूं ना तेरे साथ अपने भाई थी बहुत चलती है तुल में मोंटी अकले और तोतले की जोड़ी शारफ कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन आज स्कूल में कुछ दोस्त बने और सब बढ़िया रहा शारफ ये क्या मुंह हिला रहे हो कुछ मुंह से बोलते क्यों नहीं हो मुझे पता है तुम्हें परेशानी है पर मुझसे तो बात कर सकते हो ना मम्मा डैडी हमारे पास कभी नहीं आएंगे ना Thank you.
भाई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ भाई तू ही बैठ जा, वैसे ही तुम दोनों की जोड़ी बहुत मस्त है एकदम, हकले और तोतले की जोड़ी। ले बैठ बैठ, आजा भी आजा, जरा आजा। हाँ भाई आ रहा हूँ। हाँ भाई क्या हाल है? ए मोंती क्लब में कितने रहते हैं तू पता नहीं चल गया है? मैं तोतले हकले से बात कर रहा हूँ, चल बैठ। मैं तुमसे तुमसे बात नहीं कर रहा। ए देखो हकले की मोटर खराब हो गई है, अटक अटक के चलती है। ए क्या हो रहा? सर दोस्त है सर। बहुत हो गई दोस्ती, चलिए बुक निकालिए अपनी। तू ठीक है ना? यस स्टैंड अप स्टार्ट योर लेसन। Beloved, on the earth, human beings are not only the most important but also the ultimate resources, the natural resources. Human beings can explore, develop and convert these raw materials into useful goods according to their abilities and demands. Therefore, the people have to be... The distribution of population in the world, the human resources like the natural resources are not evenly distributed over the surface of the earth. They vary greatly. If allowed, the flat shape of the earth was changed through the work of ancient scholars. The erosion between the total population and the land area. The population density of a country or any specified region can. Yes, next. The country. आप बैठ जाइए, लेसन कल तक खत्म होगा अगर आप पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट। पलता तलू में इनको मैंने बताया कि मुझे लल या बोला तो ये मेरी और मदद उलाएंगे, इसलिए मैंने इनको पिटल ही नहीं था। अरे भाई तू बहुत स्ट्रांग है। यस क्लास, आफ्टरनून सिट डाउन। क्लास जो मैंने आप लोगों को कल चैप्टर हिंदी का चैप्टर कंप्लीट करा है। यस कमिंग जो मैंने कल आप लोगों को हिंदी का चैप्टर कंप्लीट कराया था, तो कल मैं आपसे ओरली वो सुनूंगी। तो आप सभी को अच्छे से लर्न करके आना है और देखते हैं कि इस क्लास में सबसे ज्यादा कौन इंटेलिजेंट। ओके ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर्ड। जो मैंने कल आप लोगों को हिंदी का चैप्टर कंप्लीट कराया था, तो कल मैं आपसे ओरली वो सुनूंगी। तो आप सभी को अच्छे से लर्न करके आना है। जो मैंने कल आप लोगों को हिंदी का चैप्टर कंप्लीट कराया था, तो कल मैं आपसे ओरली वो सुनूंगी। तो आप सभी को अच्छे से लर्न करके आना है। मम्मा। हाँ बेटा। आपसे
हाँ बेटा बोलो। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ भाई किस खुशी में? ऐसी क्यों, कोई बात है? जब कोई बात ही नहीं है तो स्कूल जाना। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। यस गुड, सिट डाउन। यस सेकंड क्वेश्चन है, खड़क सिंह कौन था? यस बेटा आप दीजिए आंसर। खड़क सिंह एक डाकू था। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? खड़क सिंह ने बाबा भारती से जाते जाते ये कहा था कि हकलाने की परेशानी है, वो थोड़ा रुक रुक कर बोल। तो सर उसके पेरेंट्स ने क्या उस पर कभी ध्यान नहीं दिया? एक्चुअली मैम उसके फादर उसके साथ नहीं रहते हैं। मतलब? और उसके फादर ने उसकी मदर को डिवोर्स दे दिया। इसी वजह से मैम वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है और घबराया हुआ है। सर मेरी एक फ्रेंड है जो एक स्पीच थेरेपिस्ट है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी है, मैं उससे बात कर देखती हूँ, शायद हो सकता है कि उसके थ्रू उसकी हेल्प हो जाए। So, thank you, sir.
यस बेटा आप जरा बुक देना अपनी। यस क्लास आज ऐसा करते हैं स्टडी रहने देते हैं, आज कुछ गेम करते हैं, ठीक है? गेम खेलेंगे आप लोग? चलिए बहुत मजा आएगा। यस एक बच्चा मुझे कागज के ऊपर बना कर दो जरा। लो बेटा यस ये बॉल मैं जिस भी बच्चे को पास करूंगी वो मुझे गाना सुनाएगा। गाना तो आप सभी को आता ही होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो ए वतन मेरे वतन। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही चाहा है, तेरा जाना जैसे कोई बतुआ, दूर जाओगे तो मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। ये गाना सही में था, पोयम सुना रहे थे। ये बैंडी बेटा। अरे मार भी रहे हो उसे। लाओ सर मुझे बॉल देना। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, आँखों की लड़ी हूँ मेरी आँख से, आँखों की लड़ी हूँ मेरी आँख से, जब नजर मैम कॉमेडी शो थोड़ी चल रहा है। बस बहुत हो गया बैठो आप। तुल्ला है ना तू लोला हूँ मैं, तुल्ला है ना तू लोला हूँ मैं। किसे मैं हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रे गुजर जाएगी, यह दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, यह दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। लाओ मुझे बोल। हाँ आप सुनाओ। क्लास ये क्या हो रहा है आपस में, आप लोग क्या कर रहे हैं ये? हाँ बेटा आप सुनाओ ना। अरे मैम इसका टेप रिकॉर्डर खराब है, अटक अटक के चलता है। शारा मेरी तरफ देखो लगाओ। मैं नहीं गा पाऊंगी। अच्छा ठीक है चलो मेरी बात सुनो। क्यों नहीं गा सकते, एक बार ट्राई तो करके देखो। एक लॉन्ग ब्रेथ लो, ना इधर देखो ना उधर देखो, आईज क्लोज करके एक बार छोटा सा एक सॉन्ग सुना दो। बेटा शारा हिम्मत नहीं हारते ना, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ा रही हूँ ना, तो एक बार कोशिश करके देखो ठीक है। सुनाओ कच्ची डोरियों 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 से मैंने तू बांध ले, मैं नाराजगी कागजी कागजी मेरी मैंने तू बांध ले, मेरे सोनियों सुन ले मेरी दिल दिया गंगा है, सत्ता है नाल नाल महके अख नाल अख तू मिला के तू दिया गंगा है।
तो हमारा स्कूल क्लोज होगा 1 वीक के लिए। लेकिन उसके बाद जब रीओपन होगा आफ्टर 1 वीक, तो हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होने वाला है, हिंदी स्पीच कॉम्पिटिशन। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, वो अपना नेम मुझे लिखवा दें। और शारद, आपको भी पार्ट लेना है, ठीक है? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप पार्ट ले रहे हैं। सो बी रेडी क्लास। तो ले, तुम्हें ले रहा स्पीड कंपटीशन में पार्ट। इसे तोतला मत कहना। अबे हक ले, पहले बोलना तो सीख ले। मैं उनको बोलूंगा। क्या कह रहा? मेरी क्या काम है उनसे? मेरी? उससे पंगा मत लियो। हाँ। Yes, come in. मैं भी कुछ बात करूँ। हाँ कहो बेटा। मैं स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँ। क्यों? एनी प्रॉब्लम? अगर मैं बोलूँगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई मजाक नहीं बनाएगा आपका, एक बार कोशिश तो करो। अभी आपने सॉन्ग सुनाया, क्या किसी ने आपका मजाक बनाया? कितना अच्छा सुनाया ना आपने। एक काम करो, चलो चेयर लो और मेरे पास बैठो। देखो बेटा, मेरी एक फ्रेंड है जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट समझते हो? जो बेटा प्रॉब्लम आपको है, जैसे कि आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, ऐसे काफ़ी बच्चे उनके पास आते हैं और वो उनकी हेल्प करती हैं, ठीक है? और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। तो मैंने उनसे स्पेशली आपके लिए बात करी है, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कुछ वर्ड्स पर अटकते हो ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंस को आपको सबसे पहले एक पेपर पर लिखना है और मिरर के सामने खड़े होकर बड़ा मुंह खोलकर उसको बोलना है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड थिंग बेटा, कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आती होगी जब आप नर्वस फील करते होगे, घबराते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ? यस। हाँ, तो आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, आप अपनी आईज क्लोज करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे उस वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। यस। और थर्ड थिंग जो कि बहुत मेन है, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी लोग मजाक बनाते होंगे, है ना? तो आपको उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आप उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये दुनिया है, इस दुनिया में सभी एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। और अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपका फोकस ओनली आपके वर्क पर होना चाहिए, बाकी दुनिया क्या कर रही है उस पर आपको ज़रा भी ध्यान नहीं देना। और अगर आप ऐसा करते हो तो डे बाय डे आपका हौसला बढ़ता जाएगा और आप ऊंचाइयों को छूते रहोगे। तो बेटा, आपको ये टिप्स ध्यान में रखनी है और आज से ही आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। करोगे ना? ठीक ठीक है मैम, हम आज से प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे और कॉम्पिटिशन भी लेंगे। वेरी गुड। तुझ पे बढ़ता रहे तेरा
तेरा हौसला, तेरा हौसला, हौसला, तेरा हौसला। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आज रेडी हैं, फुल तैयारी से आए हैं, तो आइए हम अपना स्पीच कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स का नाम लेना चाहूंगी, खुशाग्र दास। तो जोरदार क्लैपिंग से उनका वेलकम दीजिए, खुशाग्र दास। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम खुशाग्र दास, क्लास 8th का छात्र। आज मैं स्कूल लाइफ पर भाषण देना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके पास अपने स्कूली जीवन के लिए बताने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हम सबको अपना स्कूली जीवन बहुत अच्छे से बिताना चाहेंगे, क्योंकि ये जीवन बाद में नहीं आते हैं। थैंक यू। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा ने अपना नाम मोहनदास करमचंद गांधी ने बापू के नाम से भी जानते हैं। और अब हमारा थर्ड पार्टिसिपेंट है मोहम्मद हुजैफा। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्हें कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे पंडित नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय के समुदाय में पैदा होने के कारण, और चाचा नेहरू उनके मन में बच्चों के लिए और प्रेरणा के कारण 14 नवंबर बाल दिवस करना चाहूंगी मोहम्मद वसी को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं मोहम्मद वसी, कक्षा 8 का छात्र। आज आपको स्वतंत्रता दिवस का भाषण देने चाहता हूँ, करते हुए हमने उसे अंत में प्राप्त कर लिया था। 15 अगस्त के दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इस दिन भारत आजाद हुआ था। हमें इस दिन को धूमधाम से मनाना चाहिए और उन वीरों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली। थैंक यू। और अब हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, मोहम्मद अमान। पंगा ले रहा था, स्पीच पड़ेगा। स्पीच नहीं मिलेगी आपकी। हमारा भारत देश, हमारा देश, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख,
आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना, मौलवी नाम है मेरा। कोई बात नहीं चारम, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम स्पीच नहीं दोगे, आओ मेरे साथ। नहीं मैम। क्या? मैं स्पीच नहीं बोलूँगा, लेकिन दिल की बात बोलूँगा। क्या सच में तुम अपनी दिल की बात बोलना चाहते हो? लास्ट पार्टिसिपेंट को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है शारव रस्तोगी। शारव प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शारव है। मैं आज कोई स्पीच नहीं देने आया हूँ, अपने दिल की बात कहने आया हूँ। आपको मालूम है कि मुझे बोलने में परेशानी होती है, लेकिन आप लोग मुझे हकला कह के बुलाते हैं। मेरी माँ मुझे बुलाती हैं कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग स्पेशल बच्चा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोलती हैं, जिससे मेरा दिल ना टूटे। अगर आपको मेरी जैसी परेशानी होती तो आपको ही बुरा लगता, जैसी कोई आपको परेशान करेगा तो आपको ही बुरा लगेगा, जैसी मुझे बुरा लगता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में मेरे जैसे और भी बच्चे हैं, उनका प्लीज प्लीज मत मजाक उड़ाइए। हम भी तो आप लोगों की तरह जीना चाहते हैं। मेरी लाइफ अभी तक ऐसी ही चल रही होती, अगर मेरी हिंदी वाली मैम और मेरा फ्रेंड राघव नहीं आया होता, बल्कि किसी कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। मेरी मैम ने मुझे हौसला दिया और मेरे दोस्त ने मुझे हिम्मत दी।
मैं बस इतना और कहना चाहता हूँ कि हम जैसे बच्चों का मजाक ना उड़ाए, हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर आप लोग हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले और हमदर्दी दिखाने वाले हजारों मिलते हैं, पर हौसला बढ़ाने वाला हजारों में से एक होता है। कंपटीशन ओवर हो चुका है, तो हम रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। आप सभी रेडी हैं? आर यू रेडी? ओके, तो मैं अनाउंस कर रही हूँ। तो हमारा थर्ड प्राइज जाता है फहद अहमद। क्लैप फॉर हिम एंड कम ऑन द स्टेज। और अब हमारे सेकंड विनर हैं खुशाग दास। और हमारे फर्स्ट विनर हैं, क्या कोई गैस लगा सकता है? एनी गैस? ओह, सभी लोगों को गैस, सभी लोगों ने गैस कर लिया। मोहम्मद अमान, जिन्होंने बाकी में बहुत अच्छी। मैम प्रिंसिपल को माइक पर बुलाना चाहूंगी, जो हमारे बच्चों के लिए कुछ कहें। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। बेटा, आप ही की क्लास का एक बच्चा है शारव रस्तोगी। मुझे अभी मैम से पता चला कि उस बच्चे को भी इसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से उसने जो उसके मन में था वो उस स्पीच में कहा। बच्चों, हम उसकी स्पीच को इस कॉम्पिटिशन में तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैम ने मुझे बताया कि एक हफ्ते पहले तक जो बच्चा अपना नाम बोलने में भी हिचकिचाता था, सकुचाता था, आज वो बच्चा अपने दिल की बात, मन की बात 100-150 बच्चों के सामने लेकर आया है। तो मैं उसकी इस प्रतिभा को छुपा के नहीं रख सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसके इस प्रयास को हम सभी लोग मोटिवेट करें, उसकी हौसला अफजाई करें। मैंने उसके इस प्रयास के लिए उसे क्लास 8 का मॉनिटर बनाया है शारव रस्तोगी। बेटा, प्लीज कम ऑन स्टेज। बेटा, प्लीज कम ऑन स्टेज। घबराइए नहीं, आइए।
यस मुरली, कुछ कहना है तुम्हें इस बारे में? सॉरी। जो तुमने किया क्या वो सही था? एक बात बताओ मोंटी, ये परेशानी अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें कैसा लगता? यही बच्चे अगर तुम्हारा मजाक बनाते तो तुम इस परेशानी को कैसे फेस करते? सॉरी मुझसे नहीं बेटा, सारव से बोलो, क्योंकि तुमने इसके दिल को दुखाया है, मेरे दिल को नहीं। सॉरी सारव, मुझे मेरी गलती का एहसास है। सॉरी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैम ने इसकी परेशानियों को समझा और इसका हौसला बढ़ाया, और आज इसी हौसले की वजह से ये सबके सामने खड़े होके अपनी बात कह पा रहा है। ये सिर्फ एक टीचर का ही कर्तव्य नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है तो आप सब भी उसका मजाक ना बनाएं, बल्कि उसे एक हौसला दें, हिम्मत दें, जिससे वो बच्चा शारव की तरह अपने डर को ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़े। अब मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने इस बच्चे की परेशानी को समझा और उसका हौसला बढ़ाया। थैंक यू मैम। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जरा अपनी आईज तो क्लोज करो। क्यों? अरे करो तो बाबा, आईज क्लोज करो। मम्मा, आप कैसे? सरप्राइज। आपको पता है मैं क्लास का मॉनिटर बनाऊंगी। मॉनिटर? वाह, तेरा हौसला। मैम, आपने मेरे बच्चे का हौसला बढ़ाया। अरे नहीं मैम, ये तो मेरे टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य है। तेरा हौसला। तेरा हौसला, तेरा हौसला।